नदी के बीचों बीच पेड़ पर बैठे मासूम की सिसकियां सुनकर लोगों ने कहा भूत है, मगर हकीकत जानकर लग गई लोगों की भारी भीड़। बेहद मार्मिक है बिहार की हैरान कर देने वाली खबर। नदी के बीच खड़े पेड़ पर करीब 14 घंटे तक बैठा रहा 5 साल का मासूम, वजह जानकर लोगों के उड़ गए होश। होने लगी मासूम बच्चे की बहादुरी की चर्चा। पेड़ से उतरते ही बच्चे ने बताई ऐसी सच्चाई की रो पड़ा वहां खड़ा हर शख्स। मौके पर पहुंची पुलिस भी हो गई भावुक। पूरी बात जानकर आपके भी छलक पड़ेंगे आंसू। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जाकू राखी साइया मार सके ना कोई। जी हाँ, इस कहावत को सच करने वाली एक ऐसी खबर बिहार से सामने आ रही है जो बेहद मार्मिक और हैरान कर देने वाली है। दरअसल बिहार के भोजपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल भोजपुर के गढ़हनी में बुधवार की रात एक 5 साल का मासूम बच्चा नदी के बीचों बीच खड़े पेड़ पर करीब 14 घंटे तक बैठा रहा, मानो एक 6 घंटे की रात उसके लिए पहाड़ बन गई थी। हालांकि किसी तरह से जब रात गुजरी और सुबह हुई तो मछली पकड़ने वाले एक शख्स ने उसे देखा तो उसने शोर मचाया कि पेड़ पर भूत है, वहाँ उस पेड़ पर कुछ हिल रहा है और रोने की आवाज आ रही है। तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पेड़ की टहनियों के बीच एक बच्चे को बैठे देखा। लोग बहती नदी के बीच पहुंचे और बच्चे को पेड़ से उतार कर उसकी जान बचाई। वहीं अब गांव वाले बच्चे की बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पेड़ से उतरने के बाद बच्चे ने सच्चाई बताई वो जानकर हर कोई हैरान रह गया। इस पूरे मामले को लेकर 5 साल के बच्चे भोला ने बताया कि वो अपने मामा के घर से पिता के साथ अपने गांव लौट रहा था, उनके साथ एक बकरी भी थी। रास्ते में नदी पार करने के दौरान पिता और बकरी दोनों बह गए, जबकि वो किसी तरह पेड़ों को पकड़कर उसकी टहनियों पर चढ़ गया और अंधेरा होने की वजह से किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी और वो रात भर पेड़ पर ही बैठा रहा। भोला ने बताया कि जब पेड़ की डाली पर बैठा तो देखा कि पापा नदी की तेज धारा में बहते जा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सका। बच्चे ने बताया कि रात भर जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन मैं डरा नहीं। गांव में रहने वाले रामा सिंह शंकर उर्फ साधु बाबा ने इस मामले पर बातचीत में बताया कि गुरुवार की सुबह गांव के कुछ लोग नदी में मछली पकड़ने के लिए कांटा लगा रहे थे, तभी उन्हें रोने और सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो लोग भागकर मेरे पास पहुंचे और कहा पेड़ पर भूत है। तब मेरे साथ कुछ और ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे तो देखा कि पेड़ पर एक बच्चा है। उसके बाद कुछ लोग पेड़ के किनारे पहुंचे जहां बच्चा बहुत डरा हुआ था। भोला के कहने पर ग्रामीणों ने नदी पर उसके पिता की तलाश शुरू की। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। कुछ देर बाद चरपोखरी थाना क्षेत्र की नगर पंचायत में ठाकुरबाड़ी के सामने नदी से नागेश्वर राम का शव बाहर निकला। उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल में लाया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बच्चा जहां फंसा था वह जगह सुनसान है, शाम के समय इधर कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए उस वक्त की घटना का कुछ पता नहीं चला। मृतक की पहचान नागेश्वर राम 35 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नागेश्वर राम अपने पूरे परिवार के साथ गढ़हनी के शांति नगर इलाके में रहता था। एक बच्चे के लिए अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खोने से बड़ा दुख और भी कोई नहीं है, पर बच्चे ने अपनी बहादुरी से अपनी जान जरूर बचाई है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।